जय हिंद दोस्तों। दोस्तों बैंक ने डिफेंस पेंशनर्स की पेंशन उनके खाते में क्रेडिट कर दी है, लेकिन ओआरओपी का तीसरा रिवीजन नदारद। और जिनको दोस्तों स्पर्श के द्वारा मैसेज नहीं मिले हैं प्री इंटीमेशन मैसेज पेंशन के, तो उन्होंने कहां चेक करना है उनके लिए भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बता दूंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक फैमिली पेंशन में एक बड़ा बदलाव हुआ है, जो फैमिली पेंशन का नियम है, इससे पहले आप उसको देख लीजिए। आप ये देख रहे हैं दोस्तों 10 अक्टूबर 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पीजी एंड पेंशन, मतलब कुल मिलाकर पेंशन मंत्रालय के द्वारा यह ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है फैमिली पेंशन के रिगार्डिंग। सेटलमेंट ऑफ फैमिली पेंशन बिटवीन टू वाइव्स ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट और पेंशनर अंडर सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 2021। तो दोस्तों पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि जो फैमिली पेंशन का रूल है वह क्या है। यदि सर्विस पेंशनर्स की या फिर जो सर्विंग में जो भी रहते हैं उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो पेंशन किस क्रम में चलती है, और ऐसे में दोस्तों इन सब के बाद यदि किसी की दो वाइफ हैं तो उनको किस प्रकार से पेंशन मिलेगी, यहां पर बताया गया है। तो पहले आपकी केवल ये आपकी नॉलेज के लिए बता दूं दोस्तों, सबसे पहला पेंशन के हकदार होते हैं स्पाउस, पति या पत्नी। अगर पत्नी सर्विस में है उनकी मृत्यु होती है तो पति को मिलेगी, पति हैं ठीक है ना, तो उनके बाद किसको मिलेगी, सबसे पहले हकदार होते हैं स्पाउस, पति या पत्नी। अगर इनकी डेथ हो जाती है या फिर इन एलिजिबल हो जाते हैं, और इन एलिजिबल आपको पता है दोस्तों किस कंडीशन में होते हैं, कि वो रीमैरिज कर लेते हैं, कुछ कंडीशंस हैं उनको मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है, तो यह उनकी डेथ होती है इन एलिजिबल हो जाते हैं। तो दूसरे पेंशन के हकदार होते हैं दोस्तों उनके डिपेंडेंट चिल्ड्रन होते हैं, और इसमें भी चिल्ड्रन में भी दोस्तों अलग अलग कैटेगरीज हैं, वो डिपेंडेंट होने चाहिए ठीक है। तीसरे में अगर ये भी एलिजिबल हो जाते हैं बच्चे भी, तो तीसरी कंडीशन में दोस्तों जो तीसरे हकदार होते हैं वो होते हैं डिपेंडेंट पेरेंट, जो कि डिपेंडेंट हैं उनके पेरेंट माता पिता ठीक है ना, और ये भी इन एलिजिबल हैं या इनकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे में दोस्तों जो चौथे हकदार होते हैं पेंशन के, फैमिली पेंशन के, वो होते हैं डिपेंडेंट सिबलिंग। सिबलिंग का मतलब दोस्तों भाई बहन भी आपकी पेंशन के हकदार होते हैं। लेकिन इन सब के बाद तो ये तो जानकारी थी, आपको पता होनी चाहिए। दूसरा दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं, वेयर द डिजीज गवर्नमेंट सर्वेंट और पेंशनर इज सर्वाइव बाई मोर विडो देन वन, द फैमिली पेंशन शैल बी पेड टू दी विडो इन इक्वल शेयर एंड ऑन द डेथ ऑफ इन एलिजिबिलिटी ऑफ अ विडो हर शेयर ऑफ द फैमिली पेंशन शैल बिकम पेएबल टू हर चाइल्ड और चिल्ड्रन हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशन मेंशन्ड इन सब रूल 9। देखिए आपको यह समझना होगा, जिनकी दो पत्नियां थी अभी तक जो पेंशन मिल रही थी, अगर किसी की दो पत्नियां हैं दोस्तों, लीगली उन्होंने शादी की है, दो पत्नियां हैं, तो ऐसे में अगर सर्विस पेंशन की मृत्यु होती थी तो 50% फैमिली पेंशन पहली वाइफ को और 50% फैमिली पेंशन जो है सेकेंड वाइफ को। अब ऐसे मत सोचना कि जो है इनको 50-50% मिलेगा, नहीं, जो फैमिली पेंशन है उसका 50% यानी कि आधा इनको मिलेगा आधा इनको मिलेगा, तो रूल ये था ठीक है ना। और रूल ये भी था दोस्तों कि सपोज जो है इन दोनों में से कोई भी एक जो इनकी वाइफ है वो इन एलिजिबल हो जाती है, इन एलिजिबल मतलब शादी कर लेती है या फिर उनकी डेथ हो जाती है, तो फिर ऐसे में ऐसा नहीं होता था कि इनकी पेंशन ये इनको तो गुजर गए या फिर डेथ हो गई या इन एलिजिबल हो गए तो दूसरे वाले को पूरा फैमिली पेंशन मिलने लग जाएगा, ऐसा नहीं था। ऐसे में था कि जो इनके बच्चे हैं उनको फैमिली पेंशन मिलेगी इनका वाला शेयर। अब इस चीज को भी आप समझ गए होंगे। लेकिन दोस्तों अब इन दिस रिगार्ड रेफरेंस हैव बीन रिसीव्ड इन द डिपार्टमेंट रिगार्डिंग इन एलिजिबिलिटी ऑफ फैमिली पेंशन टू द सेकेंड वाइफ व्हेन द फर्स्ट वाइफ इज अलाइव हैविंग सेकेंड वाइफ व्हेन द फर्स्ट वाइफ इज अलाइव इज अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। जी हां दोस्तों, अब यहां पर इन्होंने लिखा है जो पेंशन मंत्रालय है कि यदि पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी पत्नी को पारिवारिक पेंशन की पात्रता के संबंध में इस विभाग को कुछ ऐसे संदर्भ प्राप्त हुए हैं कि अगर पहली पत्नी जीवित है तो जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है उसके वो विरुद्ध है, इसलिए जो है दूसरी पत्नी को
दूसरी पत्नी को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के ऐसे करके विभाग में गए थे, संदर्भ इनको प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे में दोस्तों, ऐसे में क्योंकि यह हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आपको पता ही है दूसरा विवाह जो है लागू नहीं है, ठीक है ना, तो प्रावधानों के विरुद्ध है। तो ऐसे में इस केसेज में जहां पर दो पत्नियां हैं, तो यहां पर कहा गया है कि अगर ऐसे कोई भी केसेज आते हैं तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, पहले तो इनको दे देता था 50-50% जो फैमिली पेंशन था उसका 50-50%, लेकिन अब क्या है यहां पर इन्होंने सभी डिपार्टमेंट्स को एक प्रोसेस फॉलो करने के लिए कहा है कि जिस भी डिपार्टमेंट में या मिनिस्ट्री में ऐसे केसेज जाते हैं तो वो डिपार्टमेंट पहले डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर से कंसल्टेशन करेगा, यानी कि जो डिपार्टमेंट है कानूनी मामलों के विभाग से पहले परामर्श करेगा, इसकी लीगलिटी जो भी होगा चेक करेगा, और उसके बाद ओवरऑल जो भी परामर्श कानूनी मामलों के विभाग के द्वारा दिया जाएगा उसी हिसाब से सेकेंड वाइफ को पेंशन दी जाएगी दोस्तों। बाकी दोस्तों फर्स्ट वाइफ को तो मिलनी ही है, और ऐसा नहीं है कि सेकंड को भी बंद हो गई, लेकिन उससे पहले जो कानूनी मामलों के विभाग हैं उनसे पहले डिपार्टमेंट को परामर्श लेनी पड़ेगी, उसी के बाद उसी के अकॉर्डिंग वो पेंशन जारी करेंगे सेकंड फैमिली पेंशनर को। समझ गए आप बात को। दूसरी बात, और ये आपके नॉलेज के लिए है दोस्तों, नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना, कि अपडेट्स क्या हो रही है। दूसरा दोस्तों, आप देख रहे हैं मैसेज पेंशनर्स ने भी भेजा है, आज ही की डेट में इनका 39,372 रुपए क्रेडिट हो चुका है, क्रेडिटेड विद रुपीज इतना, और ये डिफेंस पेंशनर्स हैं दोस्तों, और इनको बैंक की तरफ से मैसेज आया है कि इनके खाते में पेंशन आ चुकी है। और आपको ये भी बता दूं, आप कंफ्यूज मत होना, मैंने इसलिए जो है टाइटल में भी लिखा था कि बैंक के द्वारा पेंशन, ठीक है, स्पर्श के द्वारा नहीं कहा। तो जिनका पेंशन अभी तक माइग्रेट नहीं हुआ है स्पर्श में, तो उनकी बैंकों ने, ये पीएनबी के द्वारा क्रेडिट कर दी गई है, डिफेंस पेंशनर्स की ही पेंशन है, इनका माइग्रेशन अभी स्पर्श में नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों इसके रिगार्डिंग यहां लिखते हैं अपनी पेंशन के रिगार्डिंग कि सर मेरा आज सीपीपीसी पीएनबी लुधियाना से वो पुराने रेट से ही पेंशन आया, ना ही ओआरओपी 3 दिया और ना ही डीए दिया, तो अब मुझे क्या सीपी ग्राम में ग्रेवान डाल देना चाहिए या थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अब देखे दोस्तों, देखिए जो स्पर्श की बात है ना दोस्तों, मैंने बताया था आपको कुछ वीडियोज में एक बार एनालाइज करके भी, स्पर्श जो है डिजिटल सिस्टम है और कार्रवाई बड़ी तेज होती है। आप माने ना माने दोस्तों कि पिछले महीने भी ओआरओपी 3 का रिवीजन हो गया था, और अब की बार भी लोगों की, जिनका पिछली बार नहीं हो पाया था उनका अब की बार होकर के आ रहा है। तो कुल मिलाकर के ये स्पीड समझिए, डिजिटलाइजेशन की तरफ जो बढ़ रहे हैं उसका ही एक परिणाम समझिए जो स्पर्श ने किया है। लेकिन अब आप बैंक ने देख रहे हैं कि बैंकों ने, किसी भी बैंक से मुझे अभी तक किसी से यह फीडबैक प्राप्त नहीं हुआ है कि वो सीपीपीसी बैंक से पेंशन ले रहे हैं और उनको ओआरओपी 3 के तहत रिवीजन होकर के आ गई है। इवन कि ना पिछले महीने और ना ही इस महीने इनका जो है बढ़ करके आया है। अब ऐसे में पूछ रहे हैं कि क्या कब आएगा भाई, क्यों नहीं दिया बैंक ने, तो मैं आपको पहले ही बता दूं दोस्तों, देखिए जो जारी किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, डीएसडब्ल्यू ने उस समय लेटर जारी किया था, तो आपको यहां पर आपने देखा होगा एरियर विल बी पेड विद इन वन फाइनेंशियल ईयर, जो पहला फाइनेंशियल ईयर आपको पता ही है कि मार्च 2025 में जाकर के खत्म होगा, ठीक है ना। और यहां पर कोई भी ऐसा सर्कुलर 670 भी जारी हुआ था, लेकिन दोस्तों आपने देखा हुआ कि यहां पर कोई भी टाइम बाउंड ऐसा नहीं दिया हुआ है कि आपने इतनी तारीख तक इसको इंप्लीमेंट कर देना है। देखिए सर्कुलर भी जारी हुए, बैंक सीपीपीसी को भी भेजे गए, पीसीडीए को भी भेजे गए, सारे जगह भेजे गए हैं, लेकिन इसको इंप्लीमेंट किया तो किसने किया, स्पर्श ने किया। हालांकि दोस्तों कई पेंशनर खपा होते रहते हैं कि नहीं जी स्पर्श ने ऐसा कर दिया, स्पर्श ने वैसा कर दिया, लेकिन दोस्तों जो मेरा तजुर्बा है ना दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि जो आप लोगों के कितने पुराने जो ड्यूज थे ना कई बैंकों के द्वारा, आपको कई सर्कुलर के अनुसार जो रिवाइज भी नहीं किए गए थे, आप लोगों को पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं है, मिला है नहीं मिला है, लेकिन आज स्पर्श में पेंशन है तो आप सबको हर चीजें पता लग रही है हमारे वीडियोज देख करके। और स्पर्श ने बहुत जल्दी उनके ऊपर काम भी किया है, जब आप लोगों ने कंप्लेंट्स डाली है जैसा कि हमने बताया कि सीपी ग्राम में डाली है, तो उस हिसाब से स्पर्श ने काम भी किए हैं और उनका और टाइम के साथ में काम किए। हाँ कुछ लोगों को थोड़ा परेशानी जरूर हुई है, लेकिन यह परेशानी वाली बात जहां तक है दोस्तों, अगर वो बैंक में भी जाते तो मुझे नहीं लगता कि वहां पर सीपीपीसी उनको तुरंत करके दे देता, तो थोड़ा समय तो लगेगा दोस्तों, और आपको अपने ग्रेवांस को जो आप कंप्लेंट डालते हैं उसको फॉलो अप भी करना पड़ेगा।
बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है दोस्तों, आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। फॉलोअप करेंगे दोस्तों, आप छोड़ेंगे नहीं तो जरूर आपको आपका हक जो है वो कोई नहीं कोई नहीं छोड़ता उसको, वो देते हैं आपको, चाहे वो सीपीपीसी के द्वारा हो चाहे वो स्पर्श के द्वारा हो, लेकिन आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए और आपको फॉलोअप करना उसको बहुत जरूरी है। बाकी इनके लिए तो मेरी सबके लिए यही सलाह है कि अगर आपकी इस महीने ओआरओपी 3 के अंतर्गत पेंशन रिवाइज होकर के नहीं आती है, आप इसके हकदार हैं, आपकी बढ़नी चाहिए, तो आप जरूर सीपी ग्राम में अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं, चाहे आपके इस पर से मिल रही हो चाहे वो बैंक सीपीपीसी से मिल रही हो, तो आप जरूर सीपी ग्राम में इसकी कंप्लेंट डालें तो जरूर इस महीने आपकी वो करेक्ट होकर के आ जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है, कुछों को मिल चुके थे मैसेज जो इस पर से पेंशन ले रहे हैं, कई पेंशनर्स को मिल चुके थे मैसेज कि उनकी 30 अक्टूबर को पेंशन आ रही है, लेकिन कई पेंशनर्स का अभी भी कमेंट में देख रहा हूं दोस्तों, वो लिख रहे हैं कि हमें अभी भी तक मैसेज नहीं आए हैं। अब देखिए दोस्तों, मुझे भी मैसेज नहीं आया है, लेकिन मैं आपको बता दूं जिनको मैसेज नहीं भी आए हैं, आप इजीली जो है अपना स्पर्स में लॉग इन करें, उनके अक्टूबर के पेंशन स्लिप जारी हो चुके हैं। आप देख रहे हैं पेंशन स्लिप, ये अक्टूबर की पेंशन स्लिप है, तो आप जाइए स्पर्श में लॉगिन करके अपना पेंशन स्लिप वहां पर देख सकते हैं। अब मैं इस चीज को नहीं बोल सकता हूं कि ये पूरे 100% के हो गए हैं या नहीं हो गए, मेरा तो हो गया है और कुछ लोगों ने भी जो है मुझे भेजा है, तो इसका मतलब जो है वो अक्टूबर की पेंशन स्लिप आपके, जिनको अगर मैसेज नहीं भी मिला है आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि कई दिक्कतें आजकल मैं देख रहा हूं दोस्तों कनेक्टिविटी की, नेटवर्क की, टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से भी हो रहे हैं, तो मैसेजेज अगर जनरेट हो रहे हैं तो कईयों की कॉल भी ढंग से नहीं मिल पा रही है, जो मैंने नोटिस किया है दोस्तों। यहां पर कई लोगों के साथ में ऐसी दिक्कत, आपके साथ में भी ये दिक्कतें आ सकती हैं, तो केवल मैसेज के भरोसे मत रहिए, मैसेज नहीं भी आएगा पेंशन तो आपकी आएगी ही दोस्तों, बाकी आपको आपको चेक करना है दोस्तों, तो अपना चेक कर लीजिए, पेंशन स्लिप चेक कर लीजिए, पेंशन स्लिप से आपको क्लियर हो जाएगा आपको कितनी मिलने वाली है। बाकी जो पूछ रहे थे ओआरओपी 3 का, देखिए कुछों को पिछली बार मिल गया था और कईयों ने आपकी बार मुझे जो बताया है कि ओआरओपी 3 का जिनको पिछली बार नहीं मिल पाया था तो इस बार उनकी रिविजन होकर के आ रही है। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है, आपके साथ क्या चल रहा है, आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। यहीं पर अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ, जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।